विधायक ने किया सिड़कुल में खालसा डंफर एसोसिएशन कार्यालय का उद्घाटन। उत्तराखंड के सितारगंज क्षेत्र के उकरोली, चौर गालिया, साधु नगर खनन व्यवसायियों ने खनन व्यवसाय में होने वाली अनेक समस्याओं से पीड़ित होकर खालसा डंफर एसोसिएशन का गठन किया है, जिसका कार्यालय सिड़कुल रोड कल्याणपुर में खालसा डंफर एसोसिएशन के नाम से खोला गया है। कार्यालय का उद्घाटन आज क्षेत्रीय विधायक सौरभ बहुगुणा ने किया। कार्यक्रम के दौरान की सभी ट्रांसपोर्टर व डंफर मालिक भारी संख्या में मौजूद रहे। खनन से जुड़े व्यवसायियों ने विधायक के सामने खनन से जुड़ी समस्याएं भी रखी, जिस पर क्षेत्रीय विधायक सौरभ बहुगुणा ने कहा कि खनन व्यवसायियों ने यूनियन का गठन किया है और यह अच्छी पहल है। उन्होंने यूनियन के सभी पदाधिकारियों से रोड पर गाड़ियों को धीमी गति से चलाने की बात कही। विराट ने कहा कि कुछ दिन पूर्व 3 साल के बच्चे और उनकी माँ का दुर्घटना में ही एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए सभी गाड़ी मालिक अपने ड्राइवरों से रोड पर गाड़ी को धीमी गति से चलाने को कहे। इस दौरान विधायक ने गाड़ी मालिकों की समस्याएं भी सुनी। उन्होंने कहा कि जो भी इनकी जायज मांग होगी या किसी के द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा होगा तो वो उनके साथ खड़े रहेंगे। पेश है सितारगंज के संवाददाता अनीस रजा की खास रिपोर्ट। कि एसोसिएशन का पहले पहले जो नजरिया था वो बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन अब जब से एसोसिएशन खुली है, लोगों व्यापारियों के साथ बात होना शुरू हुई है, तो आज के दिन ये बहुत सफल एक प्रयोग रहा है कि लोग एसोसिएशन के साथ मिलजुल के काम करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि जो आपने खालसा टेम्पर एसोसिएशन बनाई है उससे हमारे जितने हमने रखी हैं और क्या कुछ रहेगा अपने यूनियन के अंदर। पहले तो मैं आपके माध्यम से हम सारी जनता का, सारे पत्रकारों का और मेरे जितने ट्रांसपोर्ट भाई मेरे सदस्य हैं सबका मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे यहाँ का प्रोजेक्ट बनाया। समस्या गाड़ी वाले के आगे बहुत थी, क्योंकि सबने गाड़ी फाइनेंस पर खरीद रखी है, किसी ने बैंक से ले रखी है, सबकी किस्तें टूटी हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। मेरी गाड़ी में भी 4-4, 5-5 लाख के टूटे हैं। गाड़ी वालों को इतना उत्पीड़न हो रखा था कि जो स्टोन क्रेशर वाले मनमर्जी के रेट देते थे, जो पट्टे वाले हैं वो अपनी मनमर्जी के रेट देते थे, इसलिए और प्रशासन है वो भी अपनी मनमर्जी करता था, तो हम लोग बहुत परेशान हो चुके थे। इसलिए हमने मजबूरन होकर सबको साथ लेके आज यूनियन का गठन किया है। माननीय विधायक जी से भी मांग रखी है कि हमारी यूनियन में हमारी मदद की जाए, और हमने गाड़ी वालों को भी कहा कि अपने पेपर सारे कंप्लीट करके चलिए, जिससे कि प्रशासन का जो बात करता था हम उनसे बात कर सकें। तो हमने ड्राइवरों को भी कहा है कि कोई दुर्घटना नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल हल्की स्पीड में चलें और अपना कारोबार करें। तो आज हमें उम्मीद है कि हमारी यूनियन जो है सबको साथ लेके जो ट्रांसपोर्टर हैं सबका उत्पीड़न बंद होगा, जिससे कि गाड़ियों की किस्तें टाइम से चले जाएंगी और घर परिवार कुशल होगा। ऐसा कि हम खनन से जुड़े हुए हैं और सबकी निगाह खनन के जो कारोबार है उनके पे ऐसे देखा जाता है जैसे हम कोई चोरी या डकैती कर रहे हैं, क्योंकि हमने गाड़ियाँ ले रखी हैं और हम ट्रांसपोर्ट करते हैं कि कोई चोरी नहीं करते हैं, और हमारे पर वल्टी होती है फिर भी हमें ऐसे देखा जाता था जैसे हम चोरी करके ना वो लुटेरे होते हैं और हमें धिक्कार कर दिए जाते हैं प्रशासन की तरफ से। दूसरी चीज़ हमें एक बड़ी दिक्कत हो रही थी कि लोग बाहर से गाड़ियाँ ला के हमारे क्षेत्र में रेट खराब करते हैं, बड़ी गाड़ियाँ ले आते हैं यहाँ पे, कहते हैं कि नहीं जी हम माल ढोएंगे। हमने वहाँ भी कहा कि यार लोकल की गाड़ी और लोकल का काम आदमी काम करेगा, बाहर के वाले को हम यहाँ पे अनुमति नहीं देंगे, क्योंकि हम बाहर भी जब जाते हैं तो हमारी गाड़ी वहाँ चलने नहीं दी जाती, इसलिए यहाँ हम भी बाहर की गाड़ी को किसी को भी परमिशन नहीं देंगे जो यहाँ गाड़ी चले। यहाँ जो भी नदी में काम होगा लोकल की गाड़ी होगी और वो लोकल की गाड़ी रिवल्टी कटवा के आएगी, किसी का भाड़ा नहीं करेगी, वो गाड़ी सारे हम सब मिलकर और एक सिस्टम बना देंगे कि जिससे पट्टे वाले को भी दिक्कत ना हो, प्रशासन को भी दिक्कत ना हो और स्टोन वाले को भी दिक्कत ना हो। अगर जो हमारा सहयोग करेगा हम उसका स्वागत करेंगे, जो हमारा सहयोग नहीं करेगा हम उसका विरोध करेंगे, और बाहर की गाड़ी तो यहाँ बिल्कुल अलाउ नहीं होने देंगे, चाहे उसके लिए पूछ हो जाए, क्योंकि उनके ना तो पेपर कंप्लीट है। जितनी गाड़ियाँ किसी की स्कूटी प्लेट नहीं है, और स्कूटी प्लेट जिस पर लगी होती है उसके सारे कागज पूरे होते हैं, जिस पर स्कूटी प्लेट नहीं होती है उसमें कोई कागज नहीं होता है। इसलिए हम लोगों की मांग है प्रशासन से कि यहाँ जितनी भी गाड़ियाँ सब पे स्कूटी प्लेट लगी हो और बाहर की गाड़ी को रोका जाए।